जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। पहली बार 5 वेमेन ऑफिसर्स के पहले बैच को कमीशन किया गया है इंडियन आर्मी की आर्टिलरी रेजिमेंट में। पुंछ वाले हमले पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया एक नया खुलासा। सूडान में इंडियन एयरफोर्स ने अंजाम दिया एक डेयरिंग ऑपरेशन को। पाकिस्तान की नेवी बहुत तेजी से कर रही है अपने आप को मॉडर्नाइज। और चाइना के रिसर्च वेसल्स को बहुत करीब से मॉनिटर करने के लिए भारत के पास है स्पेशल शिप्स। आज ओटीए चेन्नई में पासिंग आउट परेड कंडक्ट की गई थी और आज की पासिंग आउट परेड में टोटल 186 कैडेट्स पास आउट हुए और इनमें से 29 कैडेट्स भूटान से हैं। और जबकि आज इस परेड की समीक्षा के लिए बांग्लादेश आर्मी के चीफ जनरल SM सैफुद्दीन अहमद मौजूद थे। और ओटीए चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग को कम्प्लीट करके 5 वीमेन ऑफिसर्स ऐसे भी हैं जिन्हें आर्मी की रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में कमीशन किया गया। और जब पहली बार हुआ है जब ओटीए चेन्नई से पास आउट होकर कोई वीमेन ऑफिसर्स आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा बनी हो। और आर्टिलरी रेजिमेंट का हिस्सा बनने वाली इन पहली 5 वीमेन ऑफिसर्स के नाम हैं लेफ्टिनेंट महक सैनी, लेफ्टिनेंट साक्षी दुबे, लेफ्टिनेंट अदिति यादव, लेफ्टिनेंट पियूष मुदगिल और लेफ्टिनेंट आकांक्षा। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 5 वीमेन ऑफिसर्स में से 3 को LAC के साथ फ्रंटलाइन फॉर्मेशंस पर तैनात किया जाएगा जबकि 2 को पाकिस्तान के साथ लगे फ्रंटियर के पास काफी चैलेंजिंग लोकेशंस पर। और सोर्सेज का यह भी कहना है कि ये सभी यंग वीमेन ऑफिसर्स सभी टाइप्स की महत्वपूर्ण आर्टिलरी यूनिट्स में तैनात की जाएंगी जहां इन्हें रॉकेट सिस्टम्स, फील्ड एंड सर्विलेंस एंड टारगेट एक्विजिशन यानी कि सेटा सिस्टम्स और ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण इक्विपमेंट को चुनौतीपूर्ण स्थितियों में हैंडल करने के लिए पर्याप्त ट्रेनिंग और एक्सपोजर मिलेगा। बाकी आर्मी की जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है इसमें करीब 280 यूनिट्स हैं और ये अलग अलग टाइप्स के गन सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हैं जैसे कि बोफोर्स, धनुष, M777 और K9 वज्रटी। और जबकि आज वीर नारी लेफ्टिनेंट रेखा सिंह भी ओटीए चेन्नई में अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करके इंडियन आर्मी में कमीशन हो चुकी हैं। और जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दें कि लेफ्टिनेंट रेखा सिंह वीर चक्र से सम्मानित गलवान हीरो लेट नायक दीपक सिंह की वाइफ है। नायक दीपक सिंह ने गलवान वैली वाले क्लैश में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था और उनकी वीरता के लिए उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से भी सम्मानित किया गया। और अब लेफ्टिनेंट रेखा सिंह की भी जो पहली पोस्टिंग है वो लद्दाख में ही है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने औपचारिक रूप से डोमिनिकन रिपब्लिक में इंडियन एम्बेसी का उद्घाटन कर दिया है और जिसे भारत और लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के बीच बायलेटरल कोऑपरेशन के नए फेस की तरह देखा जा रहा है। और यहां पर आयोजित किए गए बिजनेस इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री का कहना था कि डोमिनिकन रिपब्लिक ने अपनी एम्बेसी भारत में 2006 में ही स्थापित कर दी थी लेकिन हमें यहां पर अपनी एम्बेसी को स्थापित करने में थोड़ा समय लग गया। और जैसा कि मैंने आपको आश्वासन दिलाया था कि हम भी यहां पर जल्दी एक्टिव एम्बेसी को स्थापित करेंगे और इसके स्थापित होने के बाद मैं पर्सनली इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन करने के लिए आऊंगा और ये एक वो बड़ा कारण है जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। और आज इस इवेंट को संबोधित करते हुए भारतीय विदेश मंत्री ने भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का जिक्र किया कि किस तरह से जो भारत है वो अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बना के रखता है लेकिन उनको ये भी कहना था कि हालांकि यहाँ पे एक एक्सेप्शन है जो कि है पाकिस्तान और वो हमेशा क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सपोर्ट करता है। और चीन को लेकर भी भारतीय विदेश मंत्री ने कहा कि फिलहाल अभी भारत और चीन के रिश्ते एबनॉर्मल हैं क्योंकि चीन ने बॉर्डर एग्रीमेंट्स का उल्लंघन किया है। और इन दोनों स्टेटमेंट्स को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अभी कुछ दिनों बाद चीन और पाकिस्तान दोनों के विदेश मंत्री SCO मीटिंग्स के लिए भारत को विजिट करेंगे। पुंछ वाले हमले को लेकर PTI न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है और इस रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दावा किया गया है कि पुंछ में आर्मी के ट्रक पर जो घात लगाकर हमला किया गया था तो इस हमले की साजिश में कुछ स्थानीय लोग भी शामिल थे और 6 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार भी किया गया जिन्होंने इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों को अपने वहां जगह दी थी और वो भी हमला करने से पहले। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से भी बताया गया है कि इस हमले में जो एक्सप्लोजिव्स जो वेपन्स इस्तेमाल किए गए तो वो सारे पाकिस्तान से आए हैं ड्रोन्स की मदद से। और जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP की तरफ से बताया गया कि ये हमला एक वेल प्लान था जिसे 3 से 5 आतंकियों ने एग्जीक्यूट किया। पहले इन्होंने पूरे एरिया की रेकी करी, इस इलाके को समझा और फिर उसके बाद हमले के लिए एक जगह को चुना। और इस पूरे मामले पर अभी तक 200 लोगों से पूछताछ हो चुकी है और इस हमले में जो आतंकी है उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए ऑपरेशन अभी भी जारी है। और जिन 6 लोगों को इन आतंकियों की मदद करने के लिए गिरफ्तार किया गया था तो इनमें वो भी शामिल हैं जिन्होंने इन आतंकियों के लिए वेपन्स, एम्यूनिशंस, एक्सप्लोजिव्स ये सभी मटेरियल प्रोवाइड करने में मदद करी है और अपने वहाँ खाना और जगह देने के अलावा इन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाने में भी गाइड किया था। और ऑफिशियल्स ये भी मानते हैं कि इस तरह का इंसिडेंट बिना लोकल सपोर्ट के पॉसिबल है ही नहीं। और बाकी इस हमले में सपोर्ट करने वाले एक फुल मॉड्यूल को गिरफ्तार कर लिया गया है जो कि पिछले 2 से 3 महीनों से ही सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे और यही वो लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तानी ड्रोन्स द्वारा ड्रॉप किए गए हथियार, एक्सप्लोजिव्स उन सभी को जाके पिक किया और फिर इन आतंकियों तक पहुंचाया। और गिरफ्तार किए गए इस ओवरग्राउंड वर्कर का नाम है निसार और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ ये काम कर रहा था जबकि ऑफिशियल्स के मुताबिक ये जो निसार है ये काफी लंबे समय से ही इस तरह की गतिविधियों में शामिल है जबकि 1990s में ये लश्कर के लिए भी ओवरग्राउंड वर्कर की तरह काम करता था और इसलिए पहले से ही पुलिस के रडार में था और जबकि इसे पास्ट में भी पूछताछ के लिए 2 से 3 बार पिक किया गया।
औसले जब ये पूंछ वाला हमला हुआ तो ये पहले से ही पुलिस की सस्पेक्टेड लिस्ट में था और इसी वजह से एक बार फिर से इसे पूछताछ के लिए लाया गया और इंटेरोगेशन के दौरान ये पाया गया कि ये अपनी पूरी फैमिली के साथ इस इंसिडेंट में पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और पुलिस ऑफिसर्स का यह भी कहना है कि यहाँ पर पाकिस्तान से आने वाले आतंकियों की तादाद है जो यहाँ पे कई महीनों तक रहते हैं, जगह की रैकी करते हैं, अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं और ऐसे ही कईयों को पास्ट में न्यूट्रलाइज भी किया गया और इस तरह के 2 से 4 आतंकी कुछ समय के दौरान सक्रिय रहते हैं और अभी के समय 10 से 12 ऐसे एलिमेंट्स इस एरिया में ऑपरेट कर रहे हैं और इस हमले को जिन आतंकियों ने अंजाम दिया है तो वो पूरी तैयारी के साथ आए थे। सूडान में चलाए गए ऑपरेशन कावेरी के तहत इंडियन एयरफोर्स ने एक ऐसे साहसी ऑपरेशन को अंजाम दिया है जिसको सुनकर आप सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। 27 और 28 अप्रैल की रात को सूडान की राजधानी से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित वादी सैयदना से इंडियन एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट ने 121 लोगों को रेस्क्यू किया है। लेकिन ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन था ये बिल्कुल भी आसान नहीं था क्योंकि यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स के पायलट को एयरक्राफ्ट एक ऐसी एयर स्ट्रिप पर लैंड करवाना था जो एक तो बहुत छोटी थी और जिसके सतह भी काफी उबड़ खाबड़ थी, ना यहाँ पे नेविगेशन की कोई सहायता थी, ना फ्यूल था और सबसे इम्पॉर्टेंट एयर स्ट्रिप पर कोई भी लैंडिंग लाइट्स नहीं थी जो कि रात के समय एयरक्राफ्ट की लैंडिंग को गाइड करने के लिए सबसे ज्यादा चाहिए होता है। लेकिन इन सारी चुनौतियों के बावजूद भी इंडियन एयरफोर्स के ब्रेव पायलट्स ने नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल करके सफलतापूर्वक न केवल यहाँ पर अपने एयरक्राफ्ट को लैंड करवाया बल्कि सेफली यहाँ फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू भी किया। और एयर स्ट्रिप की तरफ अप्रोच करते हुए एयरक्रू ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स का भी इस्तेमाल किया और एयरक्राफ्ट के लैंड होने के बाद एयरक्राफ्ट के इंजन्स को चलते रहने दिया गया और फिर तुरंत ही इंडियन एयरफोर्स के 8 गरुड़ कमांडोज ने जल्दी से सभी पैसेंजर्स और उनके सामान को एयरक्राफ्ट में सिक्योर किया और रनवे से टेक ऑफ लेते समय भी नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया गया। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि लगभग 2.5 घंटे का जो ये ऑपरेशन था ये इंडियन एयरफोर्स के इतिहास में एक कमाल के फ्लॉलेस एग्जीक्यूशन के लिए जाना जाएगा। हालांकि इस तरह के डेयरिंग ऑपरेशन इंडियन एयरफोर्स अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति के दौरान भी कर चुकी है। बाकी सूडान में इस डेयरिंग ऑपरेशन के लिए इंडियन एयरफोर्स के C-130J एयरक्राफ्ट के कैप्टन थे ग्रुप कैप्टन रवि नंदा और ग्रुप कैप्टन रवि नंदा हमारे वही एयर वॉरियर हैं जिन्हें अफगानिस्तान में ऑपरेशन देवी शक्ति के रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भी गैलेंट्री मेडल से सम्मानित किया जा चुका है। और इसलिए आज की वीडियो को लाइक ग्रुप कैप्टन रवि नंदा और उनकी पूरी टीम के नाम जिन्होंने इस डेयरिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया, तो इसलिए लाइक में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज शनिवार को मीडिया के साथ इंटरेक्शन के दौरान इंडियन नेवी चीफ एडमिरल आर हरिकुमार ने इंडियन ओशन रीजन में चाइनीज वेसल्स के एक बड़ी प्रेजेंस के बारे में ये कहा कि इस रीजन में होने वाले सभी डेवलपमेंट्स पर भारत की करीब से नजर है और इंडियन नेवी मैरीटाइम डोमेन में भारत के इंटरेस्ट को सुरक्षित रखने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और बाकी आए दिन ये भी देखा जा रहा है कि समुद्र में कुछ न कुछ विवाद हो रहा है, हालांकि नेवी चीफ के मुताबिक ये कॉन्फ्लिक्ट होने की सीमा से काफी नीचे है लेकिन एक फुल फ्लेज्ड कॉन्फ्लिक्ट की संभावना से इंकार भी नहीं किया जा सकता है। बाकी पाकिस्तानी पोर्ट्स पर चाइनीज नेवी शिप्स की डॉकिंग को लेकर नेवी चीफ का यही कहना था कि ये शिप्स कई अलग अलग कंट्रीज के पोर्ट्स पर डॉक हो रही हैं केवल पाकिस्तान में ही नहीं। बाकी जहां तक चाइनीज नेवी वेसल्स की पाकिस्तानी पोर्ट को विजिट की चिंता का विषय है तो उस पर हमारी नजर है। और नेवी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया है कि जो पाकिस्तानी नेवी है वो भी अच्छे खासी रफ्तार के साथ खुद को मॉडर्नाइज कर रही है और करीब 10 से 15 वर्षों में अपने लिए 50 प्लेटफॉर्म फोर्स को बनाना चाहती है और इसलिए पाकिस्तानी नेवी अपनी फ्लीट में नई कॉर्वेट्स, नई फ्रिगेट्स तो इनको भी शामिल कर रही है। रही बात चीन की तो पिछले 10 वर्षों में चाइनीज नेवी के फ्लीट में अच्छी खासी संख्या में शिप्स और सबमरीन्स को शामिल किया गया है। उनके तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पर ऑलरेडी काम चल रहा है और काफी बड़े साइज के डिस्ट्रॉयर्स पर भी काम कर रहे हैं। बाकी चाइनीज वेसल्स की प्रेजेंस काफी ज्यादा है और जबकि इंडियन ओशन रीजन में चीन की करीब 3 से 6 वॉरशिप्स रहती हैं, इनमें से कुछ गल्फ ऑफ ओमान के पास होती हैं तो कुछ इंडियन ओशन रीजन के ईस्टर्न पार्ट पर। लेकिन इंडियन नेवी भी इन सभी को 24/7 मॉनिटर कर रही है। UAVs, शिप्स, सबमरीन्स इन सभी को डिप्लॉय किया गया है और नेवी की तरफ से तैयारियां पूरी हैं। और जबकि चाइनीज रिसर्च वेसल वाली क्वेरी पर इंडियन नेवी चीफ की तरफ से रिस्पांस देते हुए ये कहा गया कि चाइना के जो ये वेसल्स हैं ये इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को ट्रैक और कलेक्ट करने की एबिलिटी रखते हैं और इसी वजह से जब भी ये वेसल्स हमारे एरियाज के करीब ऑपरेट करती हैं तो इंडियन नेवी इन पर नजर रखती है और इसके लिए हमारे पास ऐसे भी शिप्स हैं जो इन्हें बेहद ही करीब से मॉनिटर कर सकती हैं। और आत्मनिर्भर भारत वाले इनिशिएटिव के साथ इंडियन नेवी 2047 तक अपने आप को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाने के लिए कमिटेड है। और रही बात नेवी के मॉडर्नाइजेशन की तो इंडियन नेवी चीफ का यही कहना था कि नेवी एक वेल बैलेंस्ड फोर्स है और एक केवल न्यूक्लियर सबमरीन्स या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स के बारे में नहीं है क्योंकि दोनों ही चीजें अपनी अपनी कैपेबिलिटीज के साथ आते हैं। और जबकि आज न्यू दिल्ली में आयोजित किए गए द चाणक्य डायलॉग कॉन्क्लेव में इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी भी मौजूद थे और आज इसी इवेंट के दौरान ANI के साथ बात करते हुए जब इंडियन एयरफोर्स चीफ से सूडान में एयरफोर्स के उस डेयरिंग ऑपरेशन के बारे में बात की गई तो इंडियन एयरफोर्स चीफ का कहना था कि जब भी जरूरत पड़ेगी तो हम इस तरह के ऑपरेशंस हमेशा करने के लिए तैयार। और इस तरह के ऑपरेशंस इंडियन एयरफोर्स की कोर कैपेबिलिटी को दर्शाते हैं कि हम डिफिकल्ट से डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी ऑपरेट कर सकते हैं। और जबकि चाणक्य डायलॉग के दौरान स्पेस के मिलिट्राइजेशन पर बात करते हुए इंडियन एयरफोर्स चीफ का ये कहना था कि मुझे लगता है कि अंतरिक्ष में जाने वाला सबसे पहला ऑब्जेक्ट V2 रॉकेट था, इसलिए जर्मन V2 रॉकेट ने स्पेस को टच किया और वापस आया और यहीं से स्पेस का जो मिलिट्राइजेशन है वो सिविलियन यूजर्स के साथ सीमलेसली स्टार्ट हो गया था।
यहाँ तक कि सोवियट्स द्वारा अंजाम दिए गए पहले के कुछ स्पेस मिशंस जो मुझे लगता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस द्वारा कंट्रोल किए गए थे, क्योंकि उनके माइंड में यह था कि ये जो एप्लीकेशन है तो ये पूरी तरह से डिफेंस पर्पज के लिए होनी चाहिए, और इसलिए स्पेस का मिलिट्राइजेशन ऑलरेडी चल रहा है और इसमें इन्फानाइट पॉसिबिलिटीज़ हैं। और वैसे अगर आपको ये जानना है कि स्पेस का आखिर मिलिट्राइजेशन होता क्या है और भारत अभी इसमें क्या कर रहा है, तो इस पर ऑलरेडी हमने एक वीडियो पहले बनाई है। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखी तो आप उसे देख सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी इन सबके अलावा एक अपडेट यह है कि पाकिस्तान की तरफ से यूएस को आग्रह किया गया है कि यूएस पाकिस्तान के लिए मिलिट्री फाइनेंसिंग और सेल्स को फिर से रिस्टोर करे, जो कि यूएस के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सस्पेंड कर दी गई थी। यानी कि आसान शब्दों में आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि पाकिस्तान यूएस से कह रहा है कि जब पूरी दुनिया हमको दान कर रही है तो आप क्यों पीछे हैं, आप भी करिए, क्योंकि यूएस से कुछ प्लेटफॉर्म खरीदने के लिए पाकिस्तान के पास पैसा तो है नहीं। तो इसका मतलब यही है कि अगर यूएस पाकिस्तान में कोई मदद करता है तो वो दान ही होगा। और चलिए आज आपको एक नया जोक सुनाते हैं, पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो हुआ यह क्या, शनिवार को पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया कि पाकिस्तान मिलिट्री के शांति प्रयासों को उनकी कमजोरी के संकेतों की तरह ना लिया जाए। अब ये मत पूछना कि पाकिस्तानी मिलिट्री के शांति वाले प्रयास कौन से, वो तो आप सभी को पता ही है। बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 1985 में पंजाब में ऑपरेशन ट्रैक नेट के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए एनएसजी की 51 स्पेशल एक्शन ग्रुप के हवलदार रामशंकर सिंह वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2003 में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में देश की सुरक्षा और अखंडता की रक्षा करते हुए 10 राष्ट्र राइफल्स के लांस नायक भरत सिंह, सिपाही देवेंद्र प्रताप, सिपाही मान सिंह, सिपाही दिनेश सिंह, गनर अजय कुमार और सिपाही अनुरुद्ध प्रताप भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि एनएसजी का मोटो क्या है। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।